उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसी सरकार नहीं बनी है जितने इतना निष्पक्ष होकर के कार्य किया हो कि जब अयोध्या में कुछ हिंदू लोग भी कौन तथा कथित समाजवादी पार्टी के भेजे हुए वहां पे चापलूसकार, ठीक है, उन्होंने जाकर के वहां माहौल बिगाड़ना चाहा, कुछ मंदिर मस्जिद के आगे काट पीट के फेंकना चाहा, तो उस पे भी योगी महाराज ने कार्रवाई की। वो सब पे कार्यवाही करते हैं, ठीक है ना। लोग तो ये कहते हैं कि जो योगी हैं वही सबसे बड़े गुंडे हैं, संत के इलेक्शन होते हैं, संत का मतलब होता है शांत, पर योगी जी तो शांति नहीं है। देखिए आप एक बात बताएं, संत का मतलब यदि शांत होता है तो भोले नाथ हमारे सबसे शांत स्वभाव के हैं, हमारे शिवजी महाराज इतने शांत हैं कि वो नीलकंठ में वो बैठे रहते हैं, नीलकंठ के उस पर्वत पर, उस वृक्ष के नीचे जहां झरना पड़ता है उनके उसी कंठ पर, जो विष उन्होंने पिया था देवताओं और असुरों को दोनों को बचाने के लिए, ताकि मानवता का संरक्षण बचा रहे, ठीक है ना, क्योंकि आपस में लड़ मर रहे थे, ठीक है, उस विष को उन्होंने भोलेनाथ ने पिया था। उनसे ज्यादा शांत कोई है जो वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी जब तांडव खेलते हैं तो तीसरी आंख खोलते हैं। अच्छा। उसी प्रकार हमारे संत महंत होते हैं, योगी महाराज तांडव जब खेलेंगे तो वो केवल और केवल बुराई के खिलाफ खेलेंगे, वो केवल और केवल उन देश विरोधी एजेंडों के खिलाफ तांडव खेलेंगे जो हमारे देश को टुकड़े टुकड़े बांटने की विचारधारा रखते हैं, जो देश में आतंक फैलाते हैं, जो पत्थरजनी करते हैं, जो आगजनियां करते हैं, उन पे वो बुलडोजर चला करके अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। वो हमारे योगी महाराज हैं और वो सहिष्णु भी हैं और वो धर्मो रक्षति रक्षिते का नारा भी देते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए।